बड़ी हो गई तो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है बेटा? कोई गलती नहीं हुई है, बात यह है कि मैं तुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो तेरे बेटे ने मुझे बोला कि मां गांव में अकेली रहती है, यहाँ ले आओ। मैंने सोचा ठीक है, यहाँ पर आएगी, कुछ काम धाम कर लेंगी, काम वाली रखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन तुझसे तो वो भी नहीं होता, क्या करूँ बेटा? अरे करती तो हूँ बेटा, जितना होता है सब काम करती हूँ। क्या करती है? पूरे दिन कमर दर्द का बहाना बना के बस रूम में पड़ी रहती है। यहाँ पर तुझे खाने और सोने के लिए नहीं लेकर आए हैं, अगर यहाँ पे रहना है खाना है तो काम भी करना पड़ेगा, समझी? इस उम्र में जितना कर पाती हूँ मैं सब करने की कोशिश करती हूँ बेटा। बस फिर अपनी भानी आई, बस समझ में कि मेरा घर है, जैसे मैं बोलूंगी वैसे रहना पड़ेगा, वरना तो तुझे ना वापस छुड़वा दूंगी गाँव के अंदर। तो रही अपने बेटे से दूर। ऐसा बात करना बेटा, मैं जो तू कहेगी सब करूंगी, मुझे मेरे बेटे से दूर मत। हाँ ठीक है ठीक है, अगर अब कोई गलती हुई ना तुझे सीधा फिर आश्रम छुड़वा दूंगी। चल निकल। समझो आजकल ना माजी बहुत बदतमीजी करने लगी हैं, हर चीज में रोक टोक करने लगी हैं। माजी हर वो तो ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कब बोला तुम झूठ बोल रही हो? तुमने क्या कहा था, शादी के बाद हम लोग यही रहेंगे, गांव में नहीं रहेंगे, माँ बाप से दूर। अब तुम अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आ गई हो, मैं तब भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर ऐसे रोक टोक करने लगेंगे ना तो मैं नहीं रह पाऊंगी इनके साथ। तुम चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा, नहीं बोलेगी। समझा ही देना, जब आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं की ना, तो ये कोई नहीं होती मुझे रोक टोक करने वाली, समझ में आई? समझा पाए तो ठीक है, वरना मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर अपने मायके, या फिर तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम, क्योंकि ना हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है यहाँ पर। बोल दिया, शांत हो जाओ, चलो चाय पी लो। अच्छा महारानी अभी आराम से सो रही है? क्या कर रही है बेटा? मैं क्या कर रही हूँ? अरे तू क्या कर रही है? पूरे घर का काम फैला हुआ कौन करेगा? बाप करेगा आकर? तबीयत ठीक नहीं है बहू, हाथ दर्द में बहुत दर्द है। तेरे तबीयत के बहाने ना बहुत हो गए, तुझे तो अच्छा बदन चल खड़ी हो, आज इस घर में तो तुम रहेगी या फिर मैं। चल मुझे बोला करो, पर नहीं आपको अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना, या तो इस घर में तुम्हारी मां रहेगी या फिर मैं, मुझे छोड़ो मेरे घर पे। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, जाएगी तो माँ। अपना बैग पैक करो, तुम्हें अभी और ले जाऊं तोड़ के आ रहा हूं। मैं सच कह रही हूं, कोई गलती नहीं है, बहुत झूठ बोल रही है। मैंने बोला ना अपना बैग पैक कर लो। अब तक तो गई, सामान पैक कर चल। जाइए। आज मेरी कोई गलती नहीं थी, पर जिस गलती की सजा मुझे आज मिल रही है ना बेटा, वो गलती मैंने बरसों पहले की थी। बरसों पहले? हाँ, मुझे पाने के लिए मैंने अपने तीन तीन बेटियों को ओक में ही मरवा दिया था। बेटा चाहिए था ना मुझे, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापे में हमारे साथ रहेगा, हमारी सेवा करेगा। बस इसलिए मैंने उनके पेट में ही हत्या करवा दी, उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। भगवान ना
इंसान के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता है और उसकी सजा भी उसे इसी जन्म में देता है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तू मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है। पछतावा है तो बस ये कि मैंने तुझे पैदा किया और अपनी उन बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही मार दी। जा बेटा, खुश रहना।